नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं, मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। इटावा में पूर्व सभासद के भाई की हुई हत्या। सट्टा जुआ के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान के क्रम में एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। नारी सुरक्षा नारी सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किधवाई नगर चौराहे के पास धर्म कांटे के ठीक सामने हुआ बड़ा हादसा। गोवंश की तस्करी करते हुए पिकअप हुई जब्त। खबरें विस्तार से। दिनांक 25 फरवरी 2021 थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूर्व सभासद के भाई की हत्या की घटना का सफल अनावरण करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक इटावा ने दी जानकारी। 25 फरवरी की रात में मोनू वर्मा नामक व्यक्ति, जो रात्रि में अपने घर वापस आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उन्हें उनके घर के पास ही कुछ बदमाशों के द्वारा घेर कर उन्हें गोली मार दी गई थी, जिनकी मृत्यु मौके पर हो गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत था। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जो क्षेत्राधिकारी नगर SOG और थाना कोतवाली के द्वारा इस घटना के अनावरण के लिए इसमें कार्य किया गया। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और इसमें 3 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम है बेटू चौधरी, इसरार और रानू। इन अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे और 2 कारतूस भी इसमें बरामद हुए हैं। इस घटना का जो मुख्य कारण है कि वर्ष 2016 से मोनू वर्मा और बेटू चौधरी के मध्य विभिन्न कारणों से विवाद चला आ रहा था, उनमें आपसी रंजिश भी थी। एक अभियुक्त इसरार, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके विरुद्ध मृतक मोनू वर्मा ने पिछले महीने ही एक NCR उसके खिलाफ दर्ज की थी, जिसमें उसकी अरेस्टिंग भी हुई थी। तो इन सभी कारणों से इन सभी अभियुक्तों ने एक राय होकर मोनू वर्मा की हत्या कर दी थी। इसमें एक अभियुक्त है रानू, जिसका घर घटना स्थल के पास ही था, जहां पर घटना से पूर्व 1-2 घंटा पूर्व सारे अभियुक्त उसके घर पर ही थे, वहीं प्लानिंग हुई, उनके पास हथियार भी थे और वहीं पर इन्होंने जो है शराब भी पिया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। कितने लोग हत्या में शामिल थे? अब तक 3 अभियुक्तों की हमने गिरफ्तारी कर ली है और 3 अभियुक्त अभी भी जो जिनके नाम प्रकाश में आए हैं और इसमें से कुछ नामजद भी थे, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई अन्य अभियुक्त होते हैं तो उस संबंध में भी छानबीन चल रही है, विवेचना प्रचलित है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक और IFS प्रणव गौतम के निर्देशन में सट्टा जुआ के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फफूंद पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सट्टा पर्ची पेन कॉपी 1150 रुपए हुए बरामद। महिला कल्याण विभाग व परिवहन विभाग और रैया द्वारा खानपुर चौराहा यातायात पुलिस सहायता केंद्र पर मिशन शक्ति की अंतर्गत नारी सुरक्षा नारी सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजित कर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। किधवाई नगर चौराहे के पास धर्म कांटे के ठीक सामने एक टाटा मैजिक से
एक एक्टिवा की हुई दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से हुई घायल। मौके पर प्रशासन मौजूद लेकिन ड्राइवर हुआ फरार। गोवंश की तस्करी करते हुए पिकअप हुआ जब्त। राजस्थान डाक पुलिस ने नौ गोवंश तस्करी करते हुए एक पिकअप शनिवार देर रात जब्त कर ली। तस्कर मौके से हुए फरार। डाक थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी ने रविवार दोपहर 3 बजे प्रेस नोट जारी कर बताया कि देर रात नाकाबंदी के दौरान डोडी तिराहे पर एक पिकअप जब्त पिकअप जिसका नंबर RJ17GA0933 को रुकवाया, जिसका चालक पिकअप रोकते ही अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। पिकअप की तलाशी ली, उसमें कुछ नौ गोवंश क्रूरतापूर्वक ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जिस पर पिकअप को जब्त कर लिया। आज दिनांक कल सुबह हमारी टीम द्वारा डोडी फंटा मॉनिटरिंग नाकाबंदी की जा रही है, उसी दौरान इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए BPN न्यूज़।